हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न द थैल स्ट्रक्चर ऑफ वॉचेरिया इस वीडियो में आज हम न्यू टॉपिक वॉचेरिया स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इस वीडियो में हम इसका थैलस स्ट्रक्चर देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके रिप्रोडक्शन और उसके मैथड्स देखेंगे ओके सो वॉचेरिया बिलोंग्स टू द क्लास मैंने दो लिख रखे हैं यहाँ क्लोरोफाइसी एंडजेंथोफाइसी वॉचेरिया आप बहुत जगह अगर आ, इंटरनेट पे देखोगे या बुक्स में देखोगे तो आपको कहीं क्लोरोफाइसी भी मिल सकता है और कहीं जेंथोफाइसी भी मिल सकता है क्योंकि इस जीनस इस ऑर्गेनिज्म इस एल्गे के लिए साइंटिस्ट को बहुत डाउट्स हुआ था बट रियलिटी में वॉचेरिया बिलोंग्स टू द दे देंथोफाइसी और इसका रिजल्ट इसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट आगे वीडियो में बताऊंगी एंड देन इट बिलोंग्स टू द Order Siphonales and family Wachariaceae and genus that is Wacharia. Okay, so let's begin with its thallus structure. It has a sparingly branched, acellular, sinocytic, and siphonaceous thallus. The thallus is attached to the substratum by means of branched rhizoids called the Haptera. अब ये जो थैलस होता है वाचेरिया का वो कैसा होता है असेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है इट मीन्स नॉट डिवाइडेड इनटू सेल्स अगर ये सेल्स में डिवाइड होता तो हमें इसका थैलस स्ट्रक्चर के साथ साथ सेल्युलर स्ट्रक्चर सेल स्ट्रक्चर भी देखना होता बट ये सेल्स में डिवाइड नहीं है ये असेल्युलर स्ट्रक्चर है जस्ट इसका थैलस प्रेजेंट होता है देन सिनोसेटिक है तो सिनोसाइटिक का मीन्स हमें पता है इट मीन्स इसका जो थैलस है वो मल्टीपल न्यूक्लियर डिविजन से बना है और सब के सब जो मास है सेल मेम्ब्रेन से वो सब डिजोल्व फॉर्म में है थैलस के अंदर ही प्रोटोप्लाज्म के साथ ओके देन इट इज साइफोनेशियस थैलस साइफोनेशियस होता है इट मींस साइफोनेशियस मींस ये मल्टी सेलुलर थैलस होता है इसका इट मींस इसके जो न्यूक्लियाई हैं वो अलग अलग सेल्स में प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ईच सेल हैज वन न्यूक्लिया जिसे हम यूनि न्यूक्लिएट सेल बोलते हैं तो इसमें साइफोनेशियस होता है कि इसमें जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं वो थैलस के ही पेरीफेरी रीजन पे स्प्रेड होते हैं एंड स्पेरिंगली ब्रांच इट मीन्स ये ब्रांचिंग थैलस है इसकी सारी ब्रांचेज स्प्रेड होती है ही होती है ओके द दस इज अटैच्ड टू द द सबस्ट्रेटम बाय मींस ऑफ कॉल्ड हेप्टेरा अब इसका जो राइजॉइड होता है वो अटैच्ड होता है सबस्ट्रेटम से से स्टॉक और वो किससे होता है ब्रांच राइजॉइड एक प्रोजेक्शंस होते हैं राइजॉइड्स हमें पता है जो अटैच करके रखते हैं सबस्ट्रेटम को थैलस से किसके वॉचेरिया के थैलस से और इन राइजॉइड्स का पर्टिकुलरली हम इसका नेम क्या है हेप्टेरा ओके नेक्स्ट पॉइंट है द थैलस स्ट्रक्चर इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म अब ये सिनोसिटिक फॉर्म है तो इसमें मेन जो है होगा थैलस स्ट्रक्चर वो केवल टू चीज दो टू टाइप्स में टू पार्ट्स में ही डिवाइडेड है और वो क्या है सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म द सेल वॉल ऑफ थैलस इज थीन थिन वीक एंड नॉन इलास्टिक अब जो इसकी सेल वॉल होती है वो थिन होती है एकदम पतली सी सेल वॉल होती है वीक होती है एंड नॉन इलास्टिक होती है इसमें इलास्टिक elastic, इलास्टिसिटी uh, का कोई फीचर नहीं होता है प्रॉपर्टी नहीं होती है द सेल वॉल इज मेड ऑफ टू लेयर्स द आउटर लेयर इज पैक्टिक एंड द इनर लेयर इज सेल्यूलोसिक अब इसकी जो इसकी वाचेरिया की जो सेल वॉल है वो बाई लेयर्ड होती है इट मीन टू लेयर्स प्रेजेंट होती है जिसमें से आउटर लेयर जो इसकी होती है वो पैक्टिक सब्सटैंस uh, से बनी हुई होती है फॉर्म्ड होती है और इनर लेयर सेल्युलोस की बनी हुई होती है जिसे हम सेल्युलसिक लेयर uh, कहते हैं इनर टू द वॉल देयर इज अ थिक लेयर ऑफ प्रोटोप्लास्ट अब इसकी वॉल के अंदर ही थैलस के अंदर ही प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इट मीन्स प्रोटोप्लाज्म की ही थिक लेयर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन और वो सब हमने देखा साइफोनिशियस है सेल मेम्ब्रेन है और वो सब इसी के अंदर ही डिजोल्व है मास पूरा ओके okay, प्रोटोप्लाज्म में ही तो इसमें थिक लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म होती है जस्ट सेल वॉल के इन साइड वेरी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फिल्ड विद सेल सेल सैप रन फ्रॉम वन एंड टू द फिलामेंट ऑफ टू अनादर ओके तो अब जस्ट प्रोटोप्लाज्म में एक लार्ज सेंट्रल होता है, जो जो होता है सेंट्रल वेल वो पूरा आ, एल्गे में वॉचेर या थे स्प्रेड है रन करता है दैट मीन्स एक फिलाेंट के इस एंड से उस एंड में पूरे में सेंट्रल वैक्यूल पूरी सिचुएटेड लोकेटेड है ओके लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ओवल और डिस्क शेप्ड क्रोमेटोफोज अब मैंने देखो बाय मिस्टेक पहले क्लोरोप्लास्ट लिखा था तो हमें पता है सॉरी नॉट वाइटामिन आई मीन पिगमेंट क्लोरोफिल पिगमेंट बी प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल बी जिसमें प्रेजेंट होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं एंड क्रोमेटोफोज मीन्स क्लोरोफिल बी uh, वो प्रेजेंट नहीं है कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट हो कोई आ, कोई बात नहीं बट अगर क्लोरोफिल बी प्रेजेंट नहीं है सो इट मैटर्स अगर क्लोरोफिल बी प्रेजेंट नहीं होता है प्लास्टिक में देन हम उन्हें क्रोमेटोफोर्स कहते हैं ओके तो इनमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ओवल शेप्ड और डिस्क शेप्ड क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं इन द पेरीफेरल पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म पीरिनॉइड्स और वो भी क्रोमेटोफोस कहाँ होते हैं पेरीफेरल पार्ट में इट मीन्स पूरे थैलस के बाउंड्री एरिया में और इनमें पीरिनॉयड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो पीरीनॉइड्स मैंने लास्ट जितने भी हमने वीडियोस देखी हैं एलगे पढ़े हैं सब में पीरिनॉइड्स और ये सारी चीजें रिपीट होती है उनके थैलस स्ट्रक्चर में तो पीरिनॉयड्स हमें पता है क्या होती है ये प्रोटीन सिंथेसिस स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं तो पेरीनॉइड इनमें एबसेंट होते हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट है द क्रोमेटोफोर्स कंटेन पिगमेंट्स अब हम क्रोमेटोफोर्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट है तो वो देखते हैं तो कौन से पिगमेंट्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल ए एंड ई कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल तो मेन पिगमेंट्स जो वॉचेरिया में प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं क्लोरोफिल ए एंड ई e, प्रेजेंट होते हैं क्लो, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट नहीं है पिगमेंट तो uh, है, है जिससे हम कह सकते हैं ये, है, ये जीनस है वो क्लोरोफाइसी क्लास uh, से बिलोंग uh, करता है बट ये एबसेंट होता है तो देन हम इसे जेंथोफाइसी में लेते हैं ओके okay, क्योंकि इनमें जेंथोफिल प्रेजेंट होता है मैनी स्मॉल न्यूक्लियाई लाई इन द साइटोप्लाज्म द द एयर ऑफ मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी कि इसे क्यों में लिया है तो इसका रीजन यही है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल बी एबसेंट होता है और क्लोरोफिल बी ही मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लोरोफाइसी में अगर क्लोरोफाइसी का कोई भी आपको पूछना है कि मेन फीचर क्या है हम कैसे बता सकते हैं कि ये मेंबर क्लोरोफाइसी का है तो मेन क्या होगा कि इसमें क्लोरोफिल अगर इट मीन्स इट बिलोंग्स टू क्लोरोफाइसी एंड अगर प्रेजेंट नहीं है इट मीन्स इट बिलोंग्स टू अदर एलगे अदर क्लास तो इनमें इनमेफिल प्रेजेंट है इट मीन इट बिलोंग्स टू जेंथोफाइसी ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनी स्मॉल न्यूक्लियाई लाई इन द साइटोप्लाज्म इनर टू लेयर ऑफ द द्रोमिटोफोज तो क्रोमिटोफोज पेरीफेरल एरिया में होते हैं और पेरीफेरल एरिया के इनर साइड में ही स्मॉल न्यूक्लियाई मल्टी स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियाई पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं के जस्ट पास में ही ये भी स्प्रेड होते हैं ओके द साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन्स अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल अब जो साइटोप्लाज्म होते हैं उनमें दूसरे भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल वेसिकल्स एंड फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल और सब में स्टोरेज फूड रिजर्व फूड होता है और इसमें वॉचेरिया में रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है ऑयल की फॉर्म में होता है ओके द ग्रोथ ऑफ द फिल्मेंट इज अपाइकल द फिल्मेंट इनक्रीजेज इन द लेंथ बाय अपाइकल ग्रोथ ऑफ ऑल दी ब्रांचेस अब सब इनकी ग्रोथ कैसी होती है वॉचेरिया की ये अपाइकल पोर्शन जो होता है फिलाेंट का वहां से ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं ओके तो ये बहुत स्मॉल सा हमारा टॉपिक था वॉचेरिया का स्ट्रक्चर अब हम इसका डायग्राम पर आते हैं तो ये राइजॉइड्स राइज़ोइड्स जिनके इनके राइज़ोइड्स को हम क्या कहते हैं हेप्टेरा कहते हैं ओके दीस आर ब्रांचेस शोन इन द डायग्राम एंड दिस इज सेंट्रल वैक्यूल जो पूरा इस एंड से इस एंड तक पूरा फैला हुआ है पूरे थैलस में ओके एंड दिस इन दिस डायग्राम जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है दैट इज एंथेरिडियम मेल स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंड ियम दैट इज फीमेल रिपोर्डक्टिव स्ट्रक्चर भी इस डायग्राम में शो है शोन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं ओके देन क्रोमेटोफोज जो पूरी पेरीफेरल एरिया में प्रेजेंट है बाउंड्री है जो इसको कवर uh, कर रही है दैट इज फिल्मेंट वॉल ओके फ्रेंड्स तो ये था तो हमारा थैलस स्ट्रक्चर ऑफ वॉचेरिया ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे और उसके मेथड्स देखेंगे तो प्लीज स्टे कनेक्टेड रहना मेरे चैनल से एंड प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन वेन आई अपलोड न्यू वीडियो थैंक यू फ्रेंड्स बाय